दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार अंतरिक्ष की परत दर परत खंगाले में जुटे हुए हैं, नए ग्रहों की खोज से लेकर उन ग्रहों पर जीवन की संभावना का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने रात दिन एक कर रखा है। नए ग्रह पर जीवन की तलाश में वैज्ञानिकों की निगाहें मंगल ग्रह पर टिकी हुई हैं। जीवन की संभावना में मंगल ग्रह वैज्ञानिकों के लिए एक आस के समान है। मंगल ग्रह पर जीवन की खोज की दिशा में आगे बढ़ते हुए एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के डॉक्टोरल शोधार्थी आदित्य खुल्लर और मार्सीज के को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और नासा के जेप प्रोपल्शन लेबोरेटरी के साइंटिस्ट जेफरी ब्लाउट ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस स्पेसक्राफ्ट और मार्स एडवांस रडार से मिले आंकड़ों के अध्ययन के बाद ये उम्मीद जताई है कि मंगल ग्रह के दक्षिणी पोल के नीचे 100 से भी ज्यादा पानी मौजूद है। साथ ही ये माना जा रहा है कि लाल ग्रह के साथ साउथ पोल के नीचे कोई ऐसी वस्तु है जो नीचे की तरफ आ रही है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि रडार के सिग्नल किसी जली स्रोत से आ रहे हैं। साल 2018 में यूरोप के मार्स एक्सप्रेस स्पेसक्राफ्ट के आंकड़ों के अनुसार दावा किया गया था कि उन्हें मंगल ग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर जमीनी सतह के नीचे 19 किलोमीटर चौड़ी और करीब 1.6 किलोमीटर गहरी झील के संकेत और सबूत मिले हैं। यह झील ऊपरी सूखी और ऊबड़ खाबड़ सतह से काफी नीचे है और इसी स्पेसक्राफ्ट के वैज्ञानिकों की टीम ने फिर से इस दावे की पुष्टि की संभावना जताई है। मार्स एक्सप्रेस स्पेसक्राफ्ट में लगे मार्स एडवांस रडार फॉर सब सरफेस एंड आयनोस्कोपिक साउंडिंग के डेटा से ये पता चलता है कि साल 2018 की खोज सही है, लेकिन वहाँ पर एक झील नहीं है, वहाँ पर दर्जनों झील है। इनमें से कई 10 किलोमीटर चौड़ी है। ऐसी करीब 3 झीलों के आकार का सही अंदाजा लगाया जा सकता है। आदित्य और जेफरी के एक बयान में कहा गया है कि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं कि रडार के सिग्नल से तरल पानी का पता चला है या बर्फ का, लेकिन ये बात पुख्ता हुई है कि मंगल ग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर दर्जनों झील है जो जमीन के अंदर मौजूद है। अब हम इस बात को लेकर पुष्टि करने में लगे हैं कि रडार के सिग्नल ने पानी की तरफ ही इशारा किया है या वहाँ पर जमीन के नीचे कुछ और है जिसमें कुछ समय अंतराल पर मूवमेंट भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।